शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये कथन विद्यार्थी जीवन में अच्छे शिक्षक के उसी महत्व को समझाता है जिसकी अवधारणा CCLE शिक्षण पद्धति में की गई है। 21st सेंचुरी स्किल्स आधारित CCLE की गतिविधि प्रक्रिया पर आधारित है, उत्पाद पर नहीं, इसलिए इसमें शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पर बहुत जोर देती है और हमें अपने जो पढ़ाई है उसमें इन स्किल्स को बच्चों के अंदर पैदा करना है और ये देखना है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो स्टीम के तरीके से पढ़ाएंगे अगर बच्चों को, तो वो पाएंगे कि बच्चे ज्यादा रुचि लेकर के पढ़ाई करते हैं। ये गतिविधि रटंत शिक्षा की जगह उद्देश्य परक बने एवं विद्यालयों में इसका क्रियान्वयन सतत और व्यापक रहे, इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। टीचर का रोल CCLE की गतिविधियों को करवाते टाइम एक लेक्चरर का ना होके एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए, जहाँ पर टीचर एक स्टूडेंट सेंटर अप्रोच के साथ बच्चों के साथ काम कर रहा हो। एक टीचर का रोल एक मोटिवेटर की तरह होना चाहिए, जहाँ पर वो बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर रहे हों, जहाँ पर पूरा फोकस जो है वो प्रोसेस पे हो, वो आउटकम पे ना हो। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना टीचर का दायित्व है जहाँ पर मिस्टेक्स को एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग लिया जा रहा हो। शिक्षक के रूप में मेरी भूमिका, मुझे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करना है और रचनात्मकता पर जोर देना है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के साथ ही मुझे अपने विद्यालय की आंचलिकता आधारित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनानी है जो CCLE के उद्देश्यों के अनुरूप हो। मुझे मेरे सहकर्मी शिक्षकों को सहयोग देना एवं लेना है जिससे कि विद्यालय में टीम भावना के साथ CCLE के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मैं कक्षा के वातावरण और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए नई रचनात्मक गतिविधियां भी करवा सकता हूं, जो CCLE के उद्देश्यों को पूरा करें। मुझे अपनी शिक्षण क्षमता के संवर्धन के लिए व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करने हैं, जिसके लिए मैं कार्यशालाओं में भाग ले सकता हूँ या इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे विभाग द्वारा दिए गए कैलेंडर के अनुसार नियमों का पालन करना एवं करवाना है। मुझे बच्चों द्वारा कक्षा में तैयार कलाकृतियों को समुदाय से जोड़ने का प्रयास करना है। विद्यालय में शिक्षकों का नेतृत्व प्रचार करते हैं, इसलिए CCLE के क्रियान्वयन में शिक्षकों के साथ ही प्राचार्यों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए प्राचार्य के रूप में भी हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। प्राचार्य के रूप में मेरी भूमिका, मुझे शिक्षकों के साथ सतत विमर्श करना है एवं नियमित रूप से प्रगति का मूल्यांकन भी करना है। मुझे नियमित विषय कक्षाओं के साथ ही CCLE गतिविधियों को विद्यालय की प्राथमिकता बनाना है एवं शिक्षकों में भी भाव जागृत करना है। मुझे विद्यालय में अभिभावकों को आमंत्रित करते हुए उन्हें भी CCLE की अवधारणा से परिचित कराना है, साथ ही उनसे बच्चों में हो रहे बदलावों का फीडबैक लेना है। मुझे समय समय पर विद्यालय में हो रही CCLE गतिविधियों के दस्तावेजों की मॉनिटरिंग करनी है। मुझे अपने विद्यालय के सर्वोत्तम अभ्यासों को जिले में होने वाली मीटिंग्स में दूसरे प्राचार्यों के साथ शेयर करना है। मुझे शिक्षकों के साथ व्यवहार में लचीला होना है और उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना है। किसी भी कार्य को सीखने और सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कार्यस्थल का वातावरण। हमें शिक्षक के रूप में कक्षा में रोचक वातावरण बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी है। गतिविधि कराने से पहले एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी कराएं, जैसे आपसी परिचय या कोई सामूहिक बाल गीत गायन। गतिविधि से पहले गतिविधि के बारे में भूमिका बनाएं। गतिविधि के बाद 5 मिनट बच्चों को स्वमूल्यांकन एवं विमर्श के लिए प्रेरित करें।
विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुओं को कक्षा एवं विद्यालय में रचनात्मकता से सजाएं। प्रार्थना सभा, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य का शुभारंभ प्रार्थना से किया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी भी अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ ही करते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। प्रार्थना सभा के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है। संपूर्ण प्रार्थना सभा हर सप्ताह पृथक पृथक सदन के सदस्यों द्वारा संचालित की जाती है। इसमें शिक्षकों का मार्गदर्शन रहता है। प्रतिदिन उस सदन के विद्यार्थी अगले दिन की प्रार्थना सभा की तैयारी करते हैं। प्रार्थना सभा में सबसे पहले आज के पंचांग वाचन के साथ सभा की शुरुआत होती है। विद्यार्थी आज का दिन, माह, सन और संवत के बारे में जान पाते हैं। आज का पंचांग, चैत्र शुक्ल पक्ष। सभा का अगला कार्यक्रम ध्वजारोहण होता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए सब सलामी देते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान के माध्यम से संपूर्ण देश की गौरव गाथा गाने के बाद माँ सरस्वती और सर्वशक्तिमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके बाद समय होता है देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को दृढ़ संकल्पित करने के लिए प्रतिज्ञा करने का। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। सुबह सुबह बोला गया या सुना गया एक सुविचार विद्यार्थी में एक स्वस्थ चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और इसी बात को ध्यान में रखकर आज का सुभाषित या अमृत वचन प्रार्थना सभा में रखा गया है। जीवन में शांत रहे, जीवन में खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि जो लोहा रहता है वो ठंडे होने पर भी मजबूत रहता है। सदन निर्माण, सीखना अगर व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो तो ज्यादा असरकारक होता है। 21st सेंचुरी स्किल्स आधारित CCLE की बाल सभा गतिविधियों में समूह शिक्षण एक अनिवार्य विधा है, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बांटकर उनका सतत विकास करते हुए सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। समूह में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों में आपसी सहयोग एवं टीम भावना का विकास होता है। सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति का गुण विकसित होता है, नेतृत्व क्षमता आती है, साथ ही विद्यार्थियों में सामूहिक रूप से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का कौशल भी विकसित होता है। समूह या सदन निर्माण प्रत्येक कक्षा में कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है, जिसमें वे दूसरे शिक्षकों का सहयोग भी ले सकते हैं। CCLE की गतिविधि को मुख्यतः दो प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। प्रथम व्यक्तिगत गतिविधियां और दूसरी सामूहिक गतिविधियां। परंतु फोकस इसमें सामूहिक गतिविधि के रूप में है, जो टीम वर्क के रूप में है। सामान्यतः यह देखा गया है कि बच्चे जब टीम वर्क के रूप में
आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो हमें उपलब्धि का जो उनका स्तर है वो अच्छा प्राप्त होता है। तो इस पूरी गतिविधि को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर वो सामूहिक गतिविधि के माध्यम से उनका जो अधिगम स्तर है वो प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले प्रत्येक कक्षा को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से चार भागों में बांटते हुए कुल चार सदन बनाए जाते हैं और प्रत्येक सदन का नामकरण किया जाता है। सदनों के नाम महापुरुषों, नदियों, पर्वतों या ऐतिहासिक इमारतों आदि के नाम पर रखे जा सकते हैं, जिन्हें सदन के विद्यार्थी आपस में चर्चा करके स्वयं निर्धारित करते हैं। मैम, हम सब ने डिस्कस करके वंशिका को ग्रुप लीडर चुना है। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक कक्षा में चार सदनों के चार नायक एवं चार सहनायक भी नियुक्त किए जाते हैं, जो अपने सदन की एकजुटता और सतत विकास के लिए कार्य करते हैं। नायकों एवं सहनायकों का कार्यकाल निश्चित समय अंतराल के लिए रखा जाता है, जिससे कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को नेतृत्व का समान अवसर मिलता है एवं विद्यार्थी जीवन में आने वाले बदलाव को खुशी खुशी स्वीकार करने का कौशल भी सीखते हैं। सदनों का निर्माण, नियुक्तियां एवं बाल सभा का संचालन कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाता है, ताकि उसका ध्यान उसकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर रहे तथा वो सभी विद्यार्थियों का समुचित मूल्यांकन कर सके। सदन निर्माण की इस प्रक्रिया को कक्षा अध्यापक पर्चियों द्वारा, नंबर्स द्वारा या फिर अपनी स्वयं की रचनात्मकता से किसी अन्य रोचक गतिविधि द्वारा संचालित कर सकते हैं। आइए मिलकर हमारे विद्यार्थियों को CCLE की गतिविधियों के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षा से जोड़ते हैं और उन्हें 21st Century स्किल्स सिखाकर एक नए सबल एवं कुशल भारत का निर्माण करते हैं।